जय श्री राम। हम सब बहुत प्रसन्न हैं कि आज हमारा 500 साल पुराना सपना साकार हुआ है। सहारनपुर का ये श्री हरिदर्शन मंदिर है और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ रामोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर हैं, भजन कीर्तन यहाँ पर चल रहा है। लेकिन एक तस्वीर और मैं दिखाऊंगा अपने ठीक पीछे, एक छोटा सा बच्चा है, इसका नाम भी राम ही है और आज बिल्कुल भगवान श्री राम के स्वरूप में ये यहाँ पर विराजमान है। रामोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं और देख सकते हैं कि अपना हाथ उठाकर कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी इनकी तरफ से दिया जा रहा है। अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर ये इस मंदिर में आए हुए हैं। सुबह से यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा था, काफ़ी लंबा प्रोग्राम हुआ है और भजन कीर्तन यहाँ पर हमें चारों तरफ श्री राम नाम का उद्घोष है। बुजुर्ग हों, बूढ़े हों, कोई भी महिलाएँ हों, वो यहाँ पर इस रामोत्सव में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। राम से बात करेंगे, राम जी क्या कहेंगे? जय श्री राम। यहाँ पर हो रहा है उत्सव में छाबड़ा जी हमारे साथ हैं। किस तरह का उत्सव मनाया गया आज यहाँ पर? बहुत हर्ष पूर्वक ये उत्सव मनाया गया। यहाँ इतना इस क्षेत्रवासियों को इतना उत्साह और इतना जोश था कि इस उत्सव को मनाने के लिए हमने एक 9 दिन पहले ही श्री रामचरितमानस का पाठ रखा था, जिसका आज समापन भी हुआ है और विधिवत पूजन, शोभा यात्रा, कलश यात्रा सभी जो है ना वो पूर्ण की गई हैं। और हर व्यक्ति में, हर क्षेत्रवासी में इतना जोश था, इतना उत्साह था कि उन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक इसको मनाया और पूरा सहयोग मिला। हम सब बहुत प्रसन्न हैं कि आज हमारा 500 साल पुराना सपना साकार हुआ है। हम सभी का आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे श्री प्रधानमंत्री जी का, हमारे श्री मुख्यमंत्री जी का बहुत 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 धन्यवाद है। हम उनका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से, पूरी श्री हरिदर्शन मंदिर सभा की ओर से हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज हमारे इस सपने को साकार किया, हमें ये दिन देखने को मिला। जी आप क्या कहेंगे, थोड़ा छोटा बताइए। आज इतना भव्य दिन है जो 500 सालों बाद हमें मिला है आदरणीय मोदी जी के द्वारा, और आज ये पूरा व्यास कृष्णा नगर हरिदर्शन मंदिर सभा आज इसको पूरे भव्य तरीके से मना रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी सभा का भी और पूरे समाज का भी कि जो इस सम्मिलित हुआ इस कार्यक्रम में। जय श्री राम। मकर साहब, आप लोग तो आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, कैसा लग रहा है आज के दिन को, कैसे देखते हैं? लाठियां खाई हुई हैं। जी जी। मैं आज आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तमाम वो घटनाएं, मैं अगर जब कपोल कल्पित दिखता था मुझे कि भारतवर्ष के अंदर कभी राम लला का निर्माण होगा, राम मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिस समय हम आंदोलन में थे तो ऐसा जब हम समाज को एकत्र किया करते थे तो कुछ लोग मजाक में कह दिया करते थे, मकर जी क्या ये संभव हो पाएगा। तो साक्षी हूँ इस बात का कि जिस दिन शिला राम मंदिर का ताला खुला उसका भी साक्षी रहा हूँ, जिस समय राम ज्योति भूतेश्वर फील्ड पे आई थी तब भी साक्षी रहा हूँ, 30 अक्टूबर रामशिला पूजन जब इस क्षेत्र में कराई गई तो प्रत्येक गली में मेरे को दायित्व दिया गया था, उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तब भी ऐसा ही लगता था कि नहीं भाई नहीं ये संभव नहीं हो पाएगा। उसके बाद जिस समय 30 अक्टूबर कार सेवा का ये कार्यक्रम बना, निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हम लोगों को दायित्व दिया था कि किसी भी रूप में जेल में रह के हमें अपना काम को पूरा नहीं करना, जेल से बाहर रह के उन कार सेवकों को प्रोत्साहित करना है और अयोध्या मार्ग प्रशस्त करना है, वही व्यवस्था बनाकर रखी। 6 दिसंबर 92 की घटनाक्रम का साक्षी हूँ। आज परमात्मा ने वो दिन दिखाया है, कुछ लोगों ने ताला खुलते देखा, कुछ लोगों ने रामशिला पूजन देखा, कुछ लोगों ने 30 अक्टूबर 90 देखा, कुछ लोगों ने 6 दिसंबर 92 देखा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि प्रथम दिन से लेके आज तक आज भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम देख रहा हूँ और आप लोगों के शहर से सौभाग्य से सब लोगों को संबोधित भी कर रहा हूँ, तो मेरे से बड़ा गौरवशाली आज का दिन कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए ये गौरवशाली क्षण है जिसको आज मैं महसूस कर रहा हूँ, वो खुशी के आंसू हैं आज जो रोकने से रुक नहीं पा रहे। निश्चित रूप से उन लोगों के लिए गौरवशाली क्षण है जो लोग राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो आज इस क्षण को, इस पल को वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, उद्घोष यहाँ पर हो रहा है, पूजा हो रही है। रामचरित मानस का पाठ यहाँ पर किया गया था वो आज कंप्लीट हुआ है और उस पाठ के कंप्लीट होने के बाद ही जो है वो यहाँ पर
सेलिब्रेशन हुआ है। हाँ जी, कैसा लग रहा है आज के दिन का? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया, बहुत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी देशवासियों को आज के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। मैं जरा बाजारों में निकल रहा हूँ। जी जी, भोजन किए बगैर जी। तो यहाँ पर काफी माहौल आप देख सकते हैं, पूरा भक्ति में है। राम नाम की गूंज जो है वो चारों तरफ सुनाई दे रही है। बच्चे हो बूढ़े, हर कोई हर्षोल्लास है उनके अंदर। आज भगवान राम का जो मंदिर है वो बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर हो रही है, उसको लेकर इनके अंदर जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। टीवी 9 न्यूज के लिए सहारनपुर से विकास कपूर।